हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं इस्माइल पटेल फिर आपके सामने एक नए ब्लॉग के साथ। आज हम मुंबई सीएसटी स्टेशन पर अभी मौजूद है। यहाँ से हम इगतपुरी जा रहे हैं, अल्लाह के वली आराम फरमा रहे हैं। चलिए हम आपको चलते हैं उनके रोजे की ज़रूरत का। मुंबई सीएसटी स्टेशन से ये हमारी ट्रेन है, छालना की हमने ट्रेन पकड़ा है इगतपुरी जाने के लिए। दोस्तों, मुंबई से तकरीबन 125 किलोमीटर की दूरी पर इगतपुरी बोलकर एक गांव है, वहां पर अल्लाह के एक वली आराम फरमा है। देखिए, अब हम कसारा घाट पे पहुंच चुके हैं। आपको मैं कसारा घाट का नज़ारा करा रहा हूँ। अब हम कुछ ही देर में इगतपुरी स्टेशन पहुंचने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अब हम इगतपुरी स्टेशन पहुंच चुके हैं। इगतपुरी स्टेशन से तकरीबन 6.5-7 किलोमीटर की दूरी पर पिंपरी बोलकर एक गांव है। हमने स्टेशन से ऑटो लिया था, 30 रुपया सीट ऑटो यहां पर आता है। अगर आप डायरेक्ट आते हो तो 150 से 200 रुपये ऑटो वाले यहाँ चार्ज करते हैं। यहाँ पर मेला होने के वजह से हमें आधा किलोमीटर दूरी रुका दिया गया। हम वहाँ से चलते हैं, अभी दरगाह के लिए निकले हैं। ये देखिए खूबसूरत मंज़र पहाड़ों का। यहाँ पर एक छोटी सी नदी भी है दरगाह के पहले। आप खाली टाइम आते हो तो डायरेक्ट ऑटो या बाइक से दरगाह तक पहुँच सकते हैं, लेकिन अभी मेला भरा हुआ है, इस वजह से हमें आधा किलोमीटर चलकर आना पड़ा। ये देखिए मेले की पब्लिक, ज़ाहिरीन यहाँ पर हाज़िरी देने के लिए पहुँचे हैं। दोस्तों, अभी तक अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन बटन दबाइए, ताकि आप लोगों को मेरी आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस दरगाह पर हर साल उर्स मनाया जाता है बाबा जान का। देखिए उसमें जो मेला लगा हुआ है, ये मेले में ये दुकानें वगैरह लगी है मेले में। दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह, अब हम बाबा जान के रोज़े पर पहुंच गए हैं। ये देखिए रोज़े के बाहर फूलों की दुकानें वगैरह लगी हुई है। ये आपका मेन गेट है, इसी गेट से हमें अंदर जाना है। दोस्तों, ये रोज़ा मुबारक है। खुतबे दौरान आरिफ़ बिल्ला वली कामिल हज़रत पीर सरदुद्दीन मदारी रहमतुल्लाह अलैह खलीफा मदारिया, आपका सिलसिला मदारिया सिलसिला है। दम मदार बेड़ा पार, दम मदार बेड़ा पार। हज़रत दम मदार का रोज़ा माकनपुर में है। जितने भी मलंग हजरत हैं सब माकनपुर हज़रत दम मदार से ही नस्बत रखते हैं। ये दरगाह शरीफ का छोटा सा दरवाज़ा, इस मकाम पर अपनी ज़बी को झुकाकर अंदर
दाखिल होना पड़ता है। ये बहुत ही अदब का मकाम है। अस्सलाम वालेकुम हज़रत सदरुल सरकार, आप हमारी हाजिरी कबूल कीजिए और मेरे इस वीडियो को जो लोग भी देख रहे हैं उन लोगों की भी हाजिरी कबूल कीजिए। दोस्तों हमारे साथ आप लोग भी बाबा जान के रोज़े की ज़ियारत कीजिए। दोस्तों आज हम इगतपुरी में बाबा जान के रोजे पे आए हैं। ये यहाँ के खिदमतगार है। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? आरिफ पटेल। आरिफ पटेल, बाबा जान के बारे में कुछ मुख्तसर बातें बताइए ना। उनका सितंबर महीने के अंदर उनके साथ आए। जी जी। और पहले भी सुंदर रहते जी जी। बाबा जान का नाम? हजरत सदरुद्दीन, सदरुद्दीन बगदादी मदारी, मदारी। आपके पीर मुर्शिद का नाम? अच्छा। ये रोज़ा मुबारक कब से है? 600 साल हो गए। 700 साल हो गए। आपके कुछ करामत बताइए ना। दूध का कुआ है। दूध का कुआ है, यानी उसके बारे में कुछ बताइए। कुएं में दूध आता था, आज भी कुआ मौजूद है? आज नहीं है, मतलब कुआ मौजूद है आज भी। ये भाई इनके साथ में, आपका नाम? अल्ताफ पटेल। ये भाई लोग यहाँ पे खिदमत करते हैं, ट्रस्टी है यहाँ पे। बाबा के बारे में कुछ बताइए ना। बाबा की पहाड़ पे दरगाह है, उनकी हत्या बनी और मस्जिद भी है। जी जी रहने के पहले जी संदल रहता है उनका साल में, और साल पहले दिन संदल रहता है, जिसमें भरे किसी दिन घुमा देते बच्चों की, जिसकी मांग मन्नत नहीं होती वो मांगते घुमा कराने, दो साल तीन साल पाँच साल अपने हिसाब से करते हैं। यानी जो भी लोग यहाँ पर मन्नत लेकर आते हैं वो खाली हाथ नहीं जाते? नहीं जाते, पूरे हो जाते हैं। माशाल्लाह ठीक है। हमारे अल्ताफ भाई थे, इनसे हमने कुछ मुख्तसर बातें जाने, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये भी हमारे अशफाक पटेल भाई है, ये भी दरगाह के खिदमतगार हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये देखिए बाबा जान के रोजे पर लंगर आम जारी है, तमाम जायरीन लंगर लूट रहे हैं। हर साल बाबा जान का जो उर्स होता है, 3 दिन का उर्स मनाया जाता है। पहले दिन संदल शरीफ, दूसरे दिन उर्स होता है और तीसरे दिन यहाँ पर धमाल की रस्म मनाई जाती है। ये देखिए जायरीनों को लंगर बांटा जा रहा है। यहाँ पर हर धर्म का इंसान आकर बाबा जान के रोज़े की हाजिरी ज़ियारत कर सकता है। यहाँ पर किसी भी किस्म की किसी को भी मनाही नहीं है। बाबा
ये बाबा जान के रोजी का गुंबद, और दरगाह के एकदम बगल में ये देखिए मस्जिद तामीर की गई है। अभी मस्जिद का तामीर काम चालू है। बाबा जान के रोजे के सामने यहाँ पर सब्ज अलीशा मलंग दो मज़ार हैं बाबा जान की। ये जो बाबा जान यहाँ पर आराम फरमा है, ये हजरत के साथ में उनके साथीदार हैं, मलंग शाह बाबा है, मदारी सिलसिले वाले हैं सब लोग। और ये देखिए ये उल्टे हाथ की जानिब बाबा जान के वालिदा की मज़ार शरीफ है। चलिए आपको मैं उनकी भी ज़ियारत कराता हूँ। हजरत पीर शाह सदरुद्दीन बाबा इनके अम्मा जान की मज़ार आप भी मेरे साथ में ज़ियारत कीजिए। दोस्तों यहाँ पर उर्स के दौरान यहाँ पर एक रस्म निभाई जाती है। यहाँ के जो गांव के जो लोग हैं वो लोग कुश्ती का प्रोग्राम रखा जाता है यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर कुश्ती का प्रोग्राम हो रहा है दरगाह के एकदम पीछे बाजू में, छोटा सा एक मैदान टाइप में उन्होंने बनाया है। यहाँ पर हर साल कुश्ती होती है, छोटे बड़े सभी पहलवान यहाँ पर आकर अपना अपना हुनर आजमाते हैं। दोस्तों ये वही बॉडी है, यहाँ पर 750 साल पहले इस बॉडी को खोदा गया है। बाबा जान के ज़माने से ये बॉडी है। इस बॉडी के वो जो कोना आपको दिखाई दे रहा है, उस कोने से इस कोने से तथा चारों कोने से बकरी के दूध की तरह, बकरी का जो दूध की जो धार रहती है उस धार की तरह इस कुएं में, इस बॉडी में बाबा की ऐसी करामत है कि यहाँ पर पानी के साथ में बॉडी में कोने से दूध आता था। आपकी ज़िंदा करामत है। एक ज़माने में जब बाबा जान इधर आराम फरमा थे, ये वही बॉडी है। इस बॉडी में चारों कोने से दूध की जो है धार आती थी, पानी के अंदर आके मिक्स होती थी, ये वही बॉडी है। ये लगभग 750 साल पहले से ये बॉडी है। ये बॉडी माशाल्लाह देखिए अभी भी वैसी है, पानी फुल है। यहाँ का मंज़र देखिए आप, कितना खूबसूरत मंज़र है। ये बाजू में पहाड़ है, ये सब यहाँ पर खेती वगैरह है। इस बॉडी से पूरे गांव वाले लोग पानी यूज़ करते हैं। आज भी इस बॉडी में भरपूर पानी है। ये देखिए ये सामने आपको बाबा जान का रोज़ा नज़र आ रहा होगा। ये देखिए ये बाबा जान के रोज़े से कुछ ही दूरी पर ये देखिए ये बॉडी है। बाबा जान की ज़िंदा करामत यहीं पर ज़ाहिर होती है। आपकी बहुत सारी करामत है। Thank you.
ये देखिए बाबा जान का रोज़ा मगरिब वक्त का नज़ारा है, रोशनी वगैरह की गई है। ज़ायरीनों की तादाद जैसे जैसे शाम होने लगी है उससे बढ़ने लगी है। मैं आपको मगरिब के बाद बाबा जान के रोज़े की का नज़ारा करा रहा हूँ। ये देखिए संदल मुबारक लोग गाजे बाजे के साथ में बाबा जान के रोजे पर पेश करने के लिए हाजिर हुए हैं। ये मेले के रात का मंजर है, मैं आपको वीडियो बता रहा हूँ। यहाँ पे तरह तरह के पकवान बने हुए हैं, तरह तरह की होटलें लगी हुई है। ये रात का मंजर है, हर तरफ रोशनी रोशनी। देखिए सब झूले वगैरह भी लगे हुए हैं, सब तरफ दुकानें हैं। तो दोस्तों अब हम अपना ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Allah'a emanet olun.